वेलकम वेलकम वेलकम, एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने शो डायनान इंग्लिश वर्ड्स गिमिक एपिसोड 58 में। चले आज नया दिन और आज का सिचुएशन ये रहा। हेलो माय डियर फ्रेंड, डायन इंग्लिश इज ऑलवेज नॉट फार रॉन्ग, नॉट फार आउट, नॉट फार ऑफ, नॉट फार शॉर्ट। डायन इंग्लिश हैज कम अमिड्स यू ऑल फॉर मेकिंग यू फ्री फ्रॉम डाउट। Today's plot, are you wrapped over knuckles for not knowing English? Have you harbored the secret fantasy or intriguing desire to become fluent speaker and want to speak with invariable fluency? If English is a fly in the ointment in your career, then without dilly-dallying, like a billy, enroll yourself in Danan English. चलिए आज का ये situation entirely different और खास करके English से related, जो कि बहुत सारे student को इसमें ज्यादा दिक्कत होता है, इसलिए उस पर आधारित है। चलिए जितना भी इसमें हम वर्ड यूज किए, इडियम्स यूज किए या फ्रेज यूज किए हैं, चलिए उसका शुरुआत करते हैं एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल विदाउट एनी फर्दर डिले। और आज का पहला वर्ड इडियम ये रहा, अ रैप ऑन या अ रैप ओवर द नकल्स। रैप ऑन द नकल्स बोल सकते हैं या अ रैप ओवर द नकल्स बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज, आलोचना करना, भर्त्सना करना। जैसे एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए, पहला एग्जाम्पल, I got rap over the knuckles for not doing well in my career. मैं अपने माले जिंदगी में, मैं अपने लाइफ साइकिल में उतना ज्यादा तरक्की नहीं कर पाया हो, तो इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा आलोचना का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे आदमी मुझे क्रिटिसाइज करता है। उसको जब बोलेंगे तो बहुत ही अच्छे idiom से रिप्लेस कीजिए a rap on या over the knuckles। I got rap over the knuckles for not doing well in my career. And second example of this idioms, he got rap over the knuckles for not finishing writing within a stipulated time. ये ध्यान दीजिएगा KNUCKLES, यहाँ पे के साइलेंट है, उसका के का उच्चारण नहीं होता है, नकल्स पढ़ेंगे। चले तो इसको इसका अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए मुझे जो लिखने के लिए दिया गया, यदि मैं उस जो टाइम अलॉट था उसके अंदर यदि मैं काम नहीं कर पाया, नहीं लिख पाया, उसके लिए मुझे बहुत आलोचना सहना पड़ा, बहुत डांट सहना पड़ा, उसको जब हम बोलेंगे तो इस ढंग से यूज कीजिए ए रैप ऑन या ओवर द नकल। और आज का सेकेंड वर्ड ये रहा, दैट इज हार्बर। हार्बर देखिए HARBOR होता है और ब्रिटिश इंग्लिश में HARBOUR होता है, हार्बर दोनों एक ही है। तो देखिए H के ऊपर लकीर है, इसका मतलब इस पे जोड़ देना होगा, A के आगे दो बिंदी है तो इसका मतलब आ हो गया, और E जब उल्टा लिखा हुआ था दैट इज अ, और उससे चिपक के देखिए एक लकीर है दैट इज रॉ, तो पढ़ेंगे हार्बर 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 हार्बर। दिस इज अ वर्ब, इसका मतलब होता है फील, फील फील नहीं बोलिएगा, फील या थिंक समथिंग यूजुअली ऑफ अ लॉन्ग पीरियड। मैंने आप यदि सोचते हैं कि कुछ समय में मैं ये कर पाऊंगा, ये अटेंड कर लूंगा, ये प्राप्ति कर लूंगा, काश मैं यदि ये हो जाऊंगा, तो उसको जो बोलते हैं उसी को हम बोलते हैं हार्बर। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, सिंस चाइल्डहुड आई हार्बर द प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर। मान लीजिए बचपन से ही ये जो डॉक्टर का जो प्रोफेशन है मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं सोचा करता था, मैं सोचता था कि मैं भी एक आगे चल करके डॉक्टर बनूं, तो इसको जब हम बोलेंगे Since childhood, I harbored the profession of doctor. And second meaning, इसका देखिए contains bacteria that cause disease. अगर bacteria से अगर कोई बीमारी फैलता है तो उसको भी हम बोलते हैं harbor. जैसे example देखिए, wash the bathroom handles carefully. Otherwise, bathroom's handle can harbor bacteria. मैंने ये कहना है example के तौर पे ये है कि जो bathroom में जो gate रहता है उसमें जो handle लगा रहता है उसको भी आप अच्छे ढंग से साफ कीजिए, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया रहने का बहुत संभावना है, यदि आप नहीं करेंगे तो बैक्टीरिया से बहुत ज्यादा बीमारी फैल जाएगा, उसको भी जब हम बोलेंगे उस समय हम यूज करेंगे हार्बर का। और जब ये नॉन होता है तो हार्बर बंदरगाह मीन समुद्र के किनारे जो अगर टाउन बसता है, शहर बसता है, या जहाँ से शिप का आना जाना होता है उसको हम बोलते हैं बंदरगाह, दैट इज हार्बर। एक खास करके आप देखते होंगे एग्जाम्पल क्लियर कीजिए, इन केरला यू कैन फाइंड प्लेंटी ऑफ हार्बर। मेरा ये कहना है कि केरला जो सदर्न स्टेट जो है, जो कि पूरा समुद्र से घिरा हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे आप बंदरगाह देख पाएंगे, हार्बर वहाँ मिलता है, खास करके क्योंकि समुद्र के इलाका में ही मिलता है कि वाटर नेक्स्ट टू कोस्ट है, तो इसलिए मैं ये एग्जाम्पल दिया, सटीक लगा, परफेक्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट वर्ड ऑफ दिस शो दैट इज फैंटेसी।
फैंटस है ये, देखिए एफ के ऊपर लकीर है, इसका मतलब जोड़ देना होगा, ए ई मीन्स होता है ए, और ई जब उल्टा लिखा होता है दैट इज अ, तो क्या पढ़ेंगे फैंटसी फैंटसी फैंटसी, दिस इज अ नॉन, ये नॉन है, इसका मतलब होता है एंजॉय बाय थिंकिंग प्लेजेंट सिचुएशन बट इन रियलिटी लाइकली टू हैपन, मैंने कुछ ऐसे सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हैं जो मैंने जिसका संभावना बहुत कम है, लेकिन आप सोच रहे हैं अच्छे अच्छे सिचुएशन ऐसा आएगा, ये बहुत आनंद जब महसूस करते हैं उसको ही बोलते हैं हम फैंटेसी। जैसे एग्जांपल से क्लियर कीजिए, पहला एग्जांपल हिज सेक्रेट फैंटेसी वाज टू ऑन बिग बंगलो, मैंने उसका ये था कि बहुत उसका बचपन से ये था और उसका ये सोच कर रखा था कि मेरे पास बहुत बड़ा बंगला हो, इसके बारे में सोचा करता था, ये सोच करके वो काफी एंजॉयमेंट होता था, उसको जब हम बोलेंगे उसी को हम बोलेंगे फैंटेसी। एंड सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस नाउन, ऑफन बाय वाचिंग कार्टून मूवी चिल्ड्रन स्टार्ट थिंकिंग इन फैंटेसी, आप जैसे देखते होंगे बोला जाता है कि बच्चे वही ज्यादा नकल करता है जो देखता है, खास करके जब वो कार्टून नेटवर्क देखता है उसमें ऐसा अजीबोगरीब सब दिखाया जाता है और वो भी सोचने लगता है कि मैं भी अब ये करूंगा, गैजेट निकालूंगा, यहाँ जाऊंगा या मून पे चला गया। मैं वो बोला कि जो रियल में होने के लायक नहीं है, लेकिन ऐसा ही वो सोच करता है क्योंकि कार्टून में ऐसा दिखने को मिलता है, इसलिए मैं एग्जाम्पल दिया ऑफन बाय वॉचिंग कार्टून मूवी चिल्ड्रेन स्टार्ट थिंकिंग इन फैंटेसी। एंड थर्ड एग्जांपल ऑफ दिस नॉन दैट इज राइटिंग फॉर्म इन इंग्लिश इज रियल फैंटेसी ऑफ यू, मान लीजिए आपको मैं किसी के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि उनको अंग्रेजी में लिखने का उनका बहुत ज्यादा ये खुशी होता है, लेकिन उनको रियल में इंग्लिश आता नहीं, लेकिन सोचते हैं कि जैसे मैं अंग्रेजी में लिखता हूँ पोएम तो कितना अच्छा होता, उसके बारे में जो सोचा गया और उसके साथ जो मैंने खुशी का जो अनुभूति होता है उसी को हम बोलते हैं फैंटेसी। और आज का फोर्थ वर्ड ये रहा दैट इज इंट्रिगिंग, इंट्रिगिंग, देखिए आई एन इन हो गया, टी के ऊपर लकीर है, इसका मतलब टी पे जोड़ देना होगा, आई यहाँ पे आई के आगे दो बिंदी है, इसका मतलब दीर्घ मीन्स लंबा करके बोलना पड़ेगा, और एन देखिए एन को नीचे घुमाया हुआ है ऊपर की तरफ, दैट इज ग मीन्स अंग हो गया, तो पढ़ेंगे इंट्रिगिंग इंट्रिगिंग इंट्रीगिंग इंट्रीगिंग इंट्रीगिंग, यस दिस इज एडजेक्टिव, इसका मतलब वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत ही ज्यादा जो आपको रोमांच करता है, बहुत ही आकर्षण आपको जिसमें पैदा होता है उसी को बोलते हैं इंट्रीगिंग। इसका प्रोनाउंसिएशन जरूर देखिए क्योंकि मैं ये मुझे लगता है कि 90% आदमी जरूर गलती करता होगा और मैं भी गलती किया था इंट्रीगिंग। और जैसे पहला एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए, राम इज रियली एन इंट्रीगिंग पर्सनैलिटी, मैंने राम जो है रियल में इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है उनका, तो इसको यदि मैं बताया तो ढंग से यूज किया। और सेकंड एग्जाम्पल देखिए, वी हैव इंट्रीगिंग डिजायर टू बी अ गुड पर्सन, मैंने मुझे काफी ज्यादा ये इंटरेस्ट था, मैंने इंटरेस्ट है कि अच्छा आदमी बनने के लिए, मैंने भविष्य में मैं कुछ अच्छा आदमी बन जाऊं, बड़े मुकाम हासिल कर लूं, ऐसा मेरा जो इच्छा, मेरा जो सोच और मेरा जो रुचि है उसी को हम बोलेंगे इंट्रीगिंग। और थर्ड एग्जांपल देखिए, ए टॉकेटिव टर्म इज एन इंट्रीगिंग स्टोरी, मैंने ये टॉकेटिव टर्म जो खास करके एक स्टोरी है, एक टॉकेटिव टर्टल या टॉम जो स्टोरी जो हम डैनर इंग्लिश में उसको डिलिनेट करवाते हैं, एक्सप्लेनेशन करवाते हैं, एक्सप्लेन करवाते हैं और आपको जो डॉन भी करवाते हैं और बोलवाते भी हैं, और उसके आधार पे बहुत सारा आदमी लिखने में बोलने में और ग्रामर ईच एंड एवरी नुआंसेस को पकड़ बना लेता है, इसलिए मैं बोला कि रियल में जो टॉकेटिव टॉम का जो कहानी है बहुत ही रुचिकर है, बहुत ही आनंददायक है और बहुत ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट वर्ड ऑफ दिस शो दैट इज एनवायबल एनवायबल, देखिए क्या पढ़ेंगे एनवायबल, देखिए ई ई मीन्स हो गया ए और ई के ऊपर लकीर है, इसका मतलब ए पे जोड़ देना होगा, और ई जब उल्टा लिखा हुआ रहता है तो वो हो गया अ, तो क्या पढ़ेंगे एनवायबल एनवायबल एनवायबल, और नहीं तो ज्यादातर आदमी इसको इनवायबल पढ़ता है एनवायबल, दिस इज एडजेक्टिव, इसका मतलब है समवन हैज सम क्वालिटी एंड एबिलिटी एंड यू विश दैट यू हैड इट टू, मैंने मान लीजिए किसी के पास कोई क्वालिटी है, गुण है, कुछ उसके पास एबिलिटी है और आप जो चाहते हैं कि मुझे भी ऐसा हो जाए, काश मैं भी ऐसा करने लगूं, मेरा पास भी ऐसा क्वालिटी हो, उसी को हम बोलते हैं एनवायबल। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल देखिए, इट इज जापान व्हिच इज इन द इनवायबल पोजीशन एट द फ्रंट ऑफ सरप्लस बजट, इट इज जापान व्हिच इज इन द इनवायबल पोजीशन एट द फ्रंट ऑफ सरप्लस बजट, देखिए इनवायबल इनवायबल इसको बोलेंगे एनवायबल एनवायबल, इसको ऐसा यूज कीजिए
एनबियाबल, इसको एक बार प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, एनबियाबल, एनबियाबल। मेरा ये कह रहा है कि जापान खास करके उस पोजीशन पे है कि जहाँ पे जापान ही एक ऐसा देश है जहाँ पे बजट सरप्लस रहता है, जहाँ दिक्कतें नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बहुत आदमी मेहनती है वहाँ का, इसलिए मैं बोला कि जापान उस स्थिति में है, कंडीशन में है और सबको आकर्षित करता है, सबको लगता है कि ये क्वालिटी कास्ट मेरे पास भी होता, ऐसा गुण मेरे पास भी होता, तो इसी को मैं जब यूज करूंगा तो इस ढंग से यूज करेंगे। एंड सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ दिस एडजेक्टिव, मेनी ऑफ अस वांट टू स्पीक इंग्लिश विद इन एनवायबल फॉली फ्लुएंसी, मेनी ऑफ अस वांट टू स्पीक इंग्लिश विद एनवायबल फ्लुएंसी, मीन्स हम लोगों में से बहुत सारे लोग का इच्छा होगा कि अंग्रेजी धारा प्रवाह बोले, बिना रुके बोले, बे अटक बोले। तो इसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ, स्टिल आई एम सेइंग प्लीज नॉक द डोर ऑफ द डायन इन इंग्लिश, सर्टेनली गारंटी विद इन फ्यू डे इटसेल्फ यू कैन अटेन द फ्लुएंसी एंड यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग विद ए एनवायबल फ्लुएंसी। एंड थर्ड एग्जाम्पल देखिए, कपिल शर्मा हैज एनवायबल रेपुटेशन एज कॉमेडियन, जैसे आप जानते हैं कपिल शर्मा जी को जो कॉमेडी का शो भी लाते हैं, उनके उनका रेपुटेशन है, उसको अपना एक सर्वोच्च स्थान प्राप्त किए हैं, उसमें उनको काफी ज्यादा देख करके आदमी उमुलेट भी करता है कि काश मैं भी ऐसा करने लगूं, इसलिए मैं बोला कपिल शर्मा हैज एनवायबल रेपुटेशन एज कॉमेडियन। हेलो माय डियर फ्रेंड, सीइंग अ कंस्टेंट स्ट्रीम ऑफ अफेक्शन स्पॉन्टेनियस और फ्लोइंग एंथुसियाज्म एंड अनरिवर्ड पॉजिटिव जेस्ट, even self-satisfied Daniel and Anil couldn't thwart themselves from saying your preponderance amount of thanks to you all for being with us, for following us, for becoming an ardent follower of Dan English. Hello my dear friend, 100% you can speak English just like a native speaker. अगर आपको अंग्रेजी बोलना है, धाराप्रवाह बोलना है, ग्रामर सब टिप ऑफ द टंग आ जाएगा। No sooner did you be the part of Dan and English. चलिए आज का sixth word ये रहा। That is fly in the ointment. Fly in the ointment. This is an idiom. इसका मतलब होता है something that spoils the situation that could have been pleasant. मान लीजिए आपका जो situation अभी है वो इसे ज्यादा बेहतर हो सकता था, अच्छा हो सकता था, लेकिन यही एक जो छोटा चीज है जो आपका उसमें मैंने थोड़ा आपको लग रहा है कि मेरा spoil कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, अच्छा नहीं होने दे रहा है, उसी को हम बोलते हैं fly in the ointment. And पहला example देखिए, English is a fly in the ointment in my career. जैसे देखिए खास करके नॉर्थ इंडिया के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, यहाँ का स्टूडेंट बहुत ही मेहनत कश होता है, बहुत ही मेहनती होते हैं, दिन रात लगाते हैं, कैसा कैसा भी एग्जाम क्रैक कर देते हैं, लेकिन एट द फ्रंट ऑफ इंग्लिश जब इंग्लिश की बात आती है तो उनका यही जो उनका पर्सनैलिटी को जो बोल देंगे स्पॉइल करना, जो पर्सनैलिटी को डेंट करना, जो कम करना जो बोलेंगे, यही इंग्लिश ही केवल उसका रुकावट हो जाता है, उसी को हम बोलेंगे फ्लाई इन द ointment. एंड सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ दिस idiom, अकॉर्डिंग टू माई वेल विशर फाइनेंशियल हार्डशिप is the only fly in the ointment in my personality. जैसे ये जैसे मैं मान लीजिए मैं अपने ही बारे में दिया एग्जाम्पल के तौर पे, मान लीजिए मेरे में सब कुछ है, सब कुछ ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल एनीवेयर, लेकिन जहाँ तक ये फाइनेंशियल की कंडीशन की है, जो पैसे की बात है, वहाँ पे थोड़ा मुझे फाइनेंशियल तंगी के जो दौर से मैं गुजर रहा हूँ, और ये मैं नहीं है, मेरा जो वेल विशर है, जो मुझे चाहने वाले आदमी है, मेरे नियर डियर कीथ एंड किन सब जो है, वो सब मुझे बताते हैं कि आपने और कुछ भी नहीं, केवल और केवल यही एक दिक्कत है और यही एक आपके पर्सनैलिटी में थोड़ा रोड़ा है और रुकावट है। एंड थर्ड एग्जाम्पल ऑफ दिस idiom, English is the only fly in the ointment of North Indian students. जैसे देखिए फिर मैं एग्जाम्पल में ही दे दिया, खास करके मैं नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, इंग्लिश के सिवाय इंग्लिश के कोई भी प्रॉब्लम कहीं पे नहीं है, लेकिन इंग्लिश में आते ही बहुत ही दिक्कत होने लगता है, उनका पर्सनैलिटी काफी डेंट होता है, कभी कम कभी काफी कमी महसूस करते हैं वो, माले खास करके साउथ इंडिया की तरफ जाते हैं या एब्रोड जाते हैं, तब उनको लगता है कि नहीं मेरा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा वीक था, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, यदि आप केवल डैन इंग्लिश के पास आते हैं विद इन 45 डे इटसेल्फ यू कैन रिडायरेक्ट योर सेल्फ, आप अपने को सुधार सकते हैं, आप बहुत ही धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकते हैं, इसलिए लेकिन मैं बोला कि ज्यादातर स्टूडेंट जो नॉर्थ इंडिया का रहता है ये ऐसा रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं कि अंग्रेजी ही हमारे कैरियर का बाधक है, रोड़ा है, उसको हम बताने का कोशिश किया है एग्जाम्पल में। नेक्स्ट वर्ड ऑफ दिस शो दैट इज डिली डैली, डिली डैली, देखिए डी आई डबल एल वाई डैश डी ए डबल एल वाई डी, देखिए डी के ऊपर लकीर है, इसका मतलब डी पे जोर देना होगा, और ए और ई जब साथ में आता है तो ए ही होता है, तो डिली डैली, डिली डैली, दिस इज अ वर्ब, डिली डैली मीन्स होता है वर्ब, ये वेस्ट ऑफ टाइम मतलब समय को बर्बाद करना। मान लीजिए किसी चीज के बारे में आप सोच रहे हैं कि मैं एक्शन लूं ना लूं, ये सोचने में ही बहुत ज्यादा समय आप लगा दिए,
कुछ पसंद करने में बहुत ज्यादा समय लेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेस्टेज ऑफ टाइम ही बोलेंगे। उसी को बोलते हैं रिप्लेस कीजिए अच्छे वर्ड के साथ डेले डैली। जैसे एग्जांपल से क्लियर कीजिए, पहला एग्जांपल बींग ए गुड स्टूडेंट डेली डेली नेचर सो नॉट विथ यू, मैंने यदि आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपके साथ ये जो वेस्टेज ऑफ टाइम जो है वो आपको जो स्थित है, जो डिसीजन लेने में जो देरी होता है वो आपके साथ नहीं रहना चाहिए। प्रॉम्प्ट डिसीजन लीजिए, इन ए फ्लैश डिसीजन लीजिए, क्विक डिसीजन लीजिए। एंड सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, इफ यू वॉन्ट टू बी अ गुड इन इंग्लिश विदाउट डीलिंग डैलिंग, मेक अ बी लाइन टू डानन इंग्लिश। देखिए मैं बार बार मैं बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, यदि इंग्लिश से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत है तो बिना देरी किए हुए, बिना समय गवाए हुए, प्लीज डैन इंग्लिश के पास आइए, मेक ए बिलियन में डायरेक्टली डैन इंग्लिश के पास आइए और 100% गारंटी के साथ अंग्रेजी में फ्लुएंट स्पीकर बन के जाइए। और थर्ड एग्जाम्पल देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डेली डेली देयर टाइम इन मियांडरिंग हियर एंड देयर। जैसे आप देखते होंगे जो स्टूडेंट्स लाइफ में ज्यादातर आदमी क्या होता है कि जो पढ़ता है बहुत पढ़ता है, लेकिन कुछ कुछ आदमी, ज्यादातर आदमी हम लोगों में से स्टूडेंट में से ज्यादातर समय अपना जो समय बर्बाद करते हैं इधर उधर घूमने में ही बिता देते हैं। उसको मैं जब एग्जाम्पल में बताया तो इस ढंग से यूज किया, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डेली डेली देयर टाइम इन मियांडरिंग हियर एंड देयर। अ न्यू टूमल्ट इन योर हार्ट फ्रॉम इंग्लिश लर्निंग, यू कांट कीप योरसेल्फ अपार्ट with an abundance of great sincerity, as quick as you can come into Dan English Coterie, no holds barred, and preponderance amount of knowledge you will gain, your English learning will be certain. चलिए आज का 8th word ये रहा, like billio, like billio। देखिए billio, ये देखिए B के ऊपर लकीर है, इसका मतलब B पे जोर देना होगा, O U जब साथ में आता है that is O, तो billio क्या पढ़ेंगे, billio, like a billio। A lot and very quickly, बहुत तेजी से या बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा बहुत तेजी से जो होगा उसी को हम बोलेंगे like billio। जैसे पहला एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए, he worked like billio to finish work within time, मैंने वो तेजी से काम किया, बहुत ही तेजी से काम किया, जो कि अपना काम जो है समय से पहले या समय के अंदर ही खत्म कर ले, इसलिए बहुत तेजी से काम करना पड़ता है। यही मैं बताया, वो बहुत तेजी से काम किए तो उस समय हम यूज करेंगे like billio। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑन लिसनिंग द न्यूज he went there just like a billio, मैंने मान लीजिए कोई ऐसा न्यूज था, उनको कहीं पे जाना होगा, बहुत ही अर्जेंसी आ गया, तो बिना देरी किए हुए बहुत ही फास्ट में जब वो न्यूज सुनते ही तुरंत तो भागे कहीं के लिए, तो उसको जब हम बोलेंगे ऑन लिसनिंग द न्यूज he went there just like a billio। और आज का 9th एंड फाइनल वर्ड ये रहा, दैट इज enroll, enroll। देखिए आई एन इन हो गया, आर के ऊपर लकीर है, इसके बाद आर पे जोर देना होगा, ए यू औ होता है, enroll, क्या पढ़ेंगे, enroll, enroll। दिस इज अ वर्ब, इसका मतलब होता है टेक एडमिशन, कहीं पे दाखिला लेना, नाम लिखवाना, नामांकन करवाना, तो उसी को बोलते हैं हम enroll। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, फॉर लर्निंग इंग्लिश यू शुड enroll इन डायरन इंग्लिश, मैंने हम लोग का ये कहना है यदि अंग्रेजी यदि आपको सीखना हो तो प्लीज डैन इंग्लिश में दाखिला लीजिए और विद इन 45 डेज इमर्ज एज वेरी गुड स्पीकर। एंड का सेकंड एग्जांपल देखिए, दे इनरोल देयर चिल्ड्रन इन रिप्यूटेड स्कूल। जैसे आप मान लीजिए वो रसूखदार आदमी होंगे, बड़े आदमी होंगे, तो अपने बच्चे का जो एडमिशन जो है, नामांकन जो है, बहुत ही बड़े स्कूल में जो रिप्यूटेड नामी गामी स्कूल होगा वहां पे करवाए, तो वहां मैं एग्जांपल दिया। एंड थर्ड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड, फॉर टेकिंग बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट scheme, you have to enroll your name by going to nearby government office। मान लीजिए आपको गवर्नमेंट का कोई स्कीम का फायदा लेना हो तो आपको अपना पहले नाम वहाँ पे दर्ज करवाना पड़ता है, उसको भी बोलेंगे हम इनरोल। उसके लिए आपको जो नियर बाय आपके जो नजदीक का जो गवर्नमेंट का कोई ऑफिस होगा वहाँ पे आपको जाकर के आपका नामांकन करवाना चाहिए वहाँ पे, तब जाकर के आपको कोई भी गवर्नमेंट स्कीम मिल पाएगा। इसको जब हम करेंगे तो इस ढंग से यूज करेंगे लाइक इनरोल, इसको यूज कीजिए। और जितना भी वर्ड यूज किए थे पूरा डेलिनेट कर दिया। Umpteen times we said, still we are saying, throw caution to the wind, nothing will be below the waist, pay heed on what is said by Danan English। चलिए बिना देरी के हुए एक बार फिर से मैं सिचुएशन पढ़ देता हूँ। Are you wrapped over knuckles for not knowing English? Have you harbored the secret fantasy or intriguing desire to become fluent speaker and want to speak with enviable fluency? If English is a fly in the ointment in your career, then without dilly-dallying, like a billio, enroll yourself in Danan English. चलिए तब तक आप इसे work कीजिए, अपना situation बनाइए, तब तक के लिए bye bye.